इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। कि ये कोई अफगानिस्तान या तालिबान रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है तो आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होते हुए और इस लेवल पे आते हुए? देखिए, एक तो ये जो थ्रेट वाला मामला है, वो जाहिर बात है कि उस मामले में तो ज़्यादा आगाही आपको होगी कि कितना है कितना नहीं है। अगर जी वो कल मैं किसी का देख रहा था कि जी 300 से ज़ायद पुलिस एहलकार वो प्राइम मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी पे इस वक्त मामूर हैं, हालांकि पहले तो हमें हॉलैंड के वज़ीर आज़म की मिसालें दी जाती थी और वो वाली चीज़ें तो अपनी जगह पे। जहां तक थ्रेट का ताल्लुक है तो मुझे इस स्पेसिफिक थ्रेट का तो इलम नहीं है, लेकिन शुरू दिन से मैं ये अर्ज़ करता रहा हूँ कि हम सिर्फ मिलिटेरली किसी मसले को या इंतज़ामी तौर पर किसी मसले को दबा देते हैं और इधर से जश्न मनाना शुरू कर देते हैं कि जी मसला हल हो गया। तो वो जो मिलिटेंसी थी या जो तालिबानाइजेशन थी, उसके बारे में मेरी ये राय थी कि भाई उसको आपने वक्ती तौर पर तो धकेल दिया है, लेकिन उसके रूट काजेज कभी भी स्टेट ने एड्रेस नहीं किए हैं और वो उसमें मुख्तलिफ फेजेज आते हैं। एक तो मेरा अपना मसलन यहाँ पर यह फ़र्ज़ कर लिया गया था कि जी जब अफगानिस्तान में तालिबान को जगह मिलेगी तो उसके बाद खुद ब खुद वो हमारे मसलों को भी संभाल देंगे और TTP वगैरह का मसला भी हमारे लिए हल कर देंगे। अब आप किसी हद तक, बड़ी हद तक उसको जानते हैं, ये जो मजहबी और रिलीजियस कॉमनलिटीज़ होती हैं आइडियोलॉजिकल, तो मैं तो उसी कंटेक्स में हमेशा से TTP को उनका फ्रेंचाइज समझता था। तो एक तो अब वो ऑब्वियस हो गया है और मेरे ख्याल में हमारे मुल्क चलाने वालों को भी एहसास हो गया है कि जू जू उधर तालिबान को तकवीत मिलेगी तो पाकिस्तान के अंदर भी उस तरह की क़ुव्वतों का मोराल भी बूस्ट होगा, वो रीऑर्गेनाइज भी हो रहे हैं और वो ख़तरा दोबारा, जिस तरह मुझे ख़तरा है कि अफगानिस्तान में 89 की बनिस्बत बहुत बड़ी, कई गुना ज़्यादा बड़ी तबाही खुदा न खास्ता वहाँ पर आ सकती है, तो इसी तरह मुझे ये ख़तरा है कि पाकिस्तान पे भी जो फॉल आउट है वो खुदा न खास्ता इतना भयानक हो सकता है कि हम माजी के उसको भूल जाएं। और वैसे पाकिस्तान के अंदर तो थ्रेट्स का एक साइड नहीं है, आप जानते हैं, एक तरफ इंडियन साइड का थ्रेट है, फिर इसी तरह CPAC और उसके कंटेक्स्ट में बज़ाहिर हमारे कुछ दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ साजिशें कर रहे हैं, फिर बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और जो सिक्योरिटी बड़ा डालमा पैदा हो गया है। ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल इससे पहले शायद ही कभी पैदा हुई, हम कह सकते हैं कि ज़ाहिर के आखिरी दिनों में थी और उसमें बहुत बड़ी गलती की गई और उसका नतीजा हमें बहुत भुगतना पड़ा। बरसों तक खाना जंगी हुई, महाजरीन का एक सैलाब पहले था, एक उसके बाद आया, फिर जयालक का कत्ल कैसे हुआ वो भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ। गुजारे ये है कि अमेरिका आपकी जान को आया हुआ है, वो अशरफ गनी को बरकरार रखना चाहता है और तालिबान उसके हिस्सेदार बने, तालिबान क्यों हिस्सेदार बनेंगे? सही। अब तेजी से वो भाग रहे हैं, यानी पहले तो ये था सितंबर तक जाएंगे, अब वो 11 जुलाई तक जाना चाहते हैं, पहले 4 जुलाई तक कह रहे 11 जुलाई तक जाना चाहते हैं। जब वो चले जाएंगे तो क्या होगा? ऑलरेडी बड़े शहरों के करीब हमले कर रहे हैं, दिन में 100-150 हमले कर रहे हैं तालिबान, 100-150 हमले, और बड़े शहरों के पास जैसे रावलपिंडी के करीब रबात है जी, जैसे वो हब का इलाका है कराची के साथ, क्या है, जैसे लाहौर के करीब शेखुपुरा है, तो वो अपना बड़े हमले कर रहे हैं और अमरीकी तैयारों ने बमबारी की है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस सूरत हाल में अचानक वो निकल जाएंगे जैसे पहले निकल जाए तो ये खला हो जाएगा, इसको पूर करना पड़ेगा, खाना जंगी होगी। दुरुस्त बात, इसको उस वक्त भी जाओ लग यही कहते थे
देखिए अब गैर जानबदार मुबसरीन भी तस्लीम कर रहे हैं, वो क्या एडवाइज़र थे अभी नाम याद आता है उनका, बेनज़ीर के, इकबाल अखुंद, इकबाल अखुंद ने लिखा है एडवाइज़र वो बेनज़ीर के थे, बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे, उन्होंने लिखा है ज़ियाउल हक पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान और तुर्की में बहुत करीबी तजवीराती ताल्लुकात चाहता था, ये उसका जुर्म था। जुनेजो साहब उस वक्त समझ नहीं सके, जुनेजो साहब की कंट्रीब्यूशन बहुत है, बहुत शानदार हुकूमत उन्होंने चलाई, करप्शन पर 3 वजीर बरतरफ किए, उनके दौर में सबसे ज़्यादा शायद तरक्याती काम हुआ, लेकिन गलती की, एग्रीमेंट पर जावलक कहता था निगरान हुकूमत कायम करो, ये कायम करके जाए उनकी जिम्मेदारी है, ये सारा जो गंद फैलाया हुआ है ये रूस का है, था पहले और अब अमेरिका का है, अब इनकी जिम्मेदारी है ना। अब हमारे यहाँ लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या किया जाए, क्या वो कहते हैं अंग्रेजी में रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, हम अमेरिका के साथ भी हैं, हम तालिबान के साथ भी हैं, तालिबान हमारे दोस्त हैं, ये तो डिलेमा है, और अमेरिका जो है हम इसकी तो तरदीद कर दी, ऐसा वैसा डिलेमा, यानी ऐसा मखमसा अजीब है, यानी ये तो कह रहे हैं कि अड्डे नहीं देंगे, उधर अमेरिकी दावा कर रहे हैं कि अड्डे देंगे, अड्डे तो नहीं दे रहे, ये तो बात ठीक है, ये तो दावा दुरुस्त है, लेकिन इसकी तरदीद तो नहीं करते कि फिजाई हदूद इस्तेमाल बिल्कुल देंगे या नहीं देंगे, वो अगर पाकिस्तान की फिजाई हदूद से गुजर के बमबारी कर रहे हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, या आप अमरीका को खो दें या आप अफगानिस्तान को खो दें, ये बीच में वो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने कहा था कि फैसला न करने से बेहतर है गलत फैसला कर लिया जाए, आप मखमसे में नहीं रख सकते, एक 22 करोड़ का मुल्क है, एक एटमी कुवत है, एक इसका 22 करोड़ इंसानों के 23 करोड़ इंसानों के मुस्तकबिल का सवाल है, और आप मखमसे में बैठे हुए हैं, इंडिया के मामले में भी मखमसे, आपको फैसला करना है। ठीक, वो एलिस वेल्स क्या कहती थी, ये बंद करो, बार बार कहती थी बंद करो ये सी पैक और ये, और हमारे साथ मामला करो, यहाँ अमरीकी लाभी भी बड़ मुतरक है। आज जुगनू मोहसिन साहिबा ने तकरीर फरमाई है पंजाब असम्बली में, अमरीकी लाभी बड़ी मुतरक है, बाकी लोग भी मुतरक हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है वज़रा भी हैं मौजूद और अपोजिशन में तो बहुत लोग हैं, आपने देखा है कि अफगानिस्तान के मसले पर और कश्मीर पर और फलस्तीन पर कैसी चुप लगी, सिर्फ जमात इस्लामी ने एक भरपूर जुलूस निकाला, फलस्तीन पे भी एक आध रस्मी बयान दे दिया, मरियम नवाज ने तो शायद वो भी नहीं दिया, और नवाज शरीफ ने, यानी कोई एक्टिविटी नहीं है, अजीब व गरीब ये सियासी जमातें हैं, ये मुल्क पर सिर्फ हुकूमत करना जानते हैं, यही हुकूमत का हाल है, यही इस्टेब्लिशमेंट का हाल। ठीक भाई, आप दोनों के साथ एक वक्त कैसे हो सकते हैं, अब आप पूछें कि भाई इसमें कोई रास्ता है, हमेशा एक रास्ता मौजूद होता मौजूद है, रहता है, कोई तो कोई आपका उसूल है, कोई आपका खुदा है, कोई अपने अवाम पे आपको एतमाद है, कोई आपका परवरदिगार है, किसी कोई आपका ईमान और यकीन है, भाई ये रूस बैठा हुआ है और रूस का। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ आपने वीडियो में देखा पाकिस्तानी मीडिया ने स्टार्टिंग की जो क्लिप देखी उसमें डिस्कस किया कि इमरान खान की जो सिक्योरिटी है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और उसका रीज़न है तालिबान। आपको बता दें हाल ही में तालिबान ने बहुत बार धमकी दी है पाकिस्तान को, जब से अमेरिका ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं अगर तुमने किसी भी तरीके से हमारे खिलाफ किसी दूसरे देश को अड्डे दिए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये बात ऑफिशियल तब हुई थी जब अमेरिका ने ये अनाउंस किया था कि हमें पाकिस्तान कंटिन्यू 2001 के एग्रीमेंट के तहत अड्डे देगा और उसके तहत हम पाकिस्तान के हवाई अड्डे और पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ कर सकेंगे। तो गाइज़ ये एयर स्पेस और हवाई अड्डे एज़ यूज़ुअल यूज़ होंगे तालिबान के ख़िलाफ़, ड्रोन अटैक हो सकते हैं और भी जो टेक्नोलॉजी है नई नई टेक्नोलॉजी से अटैक हो सकते हैं। तो इसमें पाकिस्तान, जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान अपनी हवाई अड्डे और पाकिस्तान की एयर स्पेस दे रहा है, उसके बाद से हुआ ऐसा कुछ कि अफ़गान लोगों ने पाकिस्तान की कतर एम्बेसी और इंग्लैंड में जो एम्बेसी है वहाँ पर अटैक कर दिए, वहाँ पर पानी की बोतलें मारी, पत्थर मारे, और
तालिबान के लीडर्स ने पाकिस्तान को धमकी देना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की जो अभी करंट गवर्नमेंट है अशरफ गनी की, उसने ये बोल दिया कि पाकिस्तान ही तालिबान का बैकबोन है, यही उन्हें सपोर्ट करता है। तो दोस्तों पाकिस्तान तो मतलब दोनों तरफ से बजने वाला ढोल बन चुका है इस समय, और तालिबान भी धमकी दे रहा है, अफ़गानिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है वो भी धमकी दे रही है, ऊपर से चाइना भी नाराज़ हो गया है। तो इस ढोल को सभी लोग सभी तरफ से बजाए जा रहे हैं, और अमेरिका तो हमेशा से बजाता है। अमेरिका ने इनको दम देकर इनके अड्डे, मतलब जो अड्डे का जो एग्रीमेंट था वो याद दिलाया और इनकी एयर स्पेस यूज़ की। आपने दूसरी क्लिप में देखा होगा जो बुढ़ा पत्रकार है हारून रशीद जिहादी, ये बोल रहा है कि इन्होंने मतलब हमले किए हैं, और उसके तुरंत पहले ये भी बोल रहा है कि हमने तो अड्डे नहीं दिए और हमले हुए हैं। मतलब इसकी बात देख सकते हो आप, दोनों बातें यहाँ पर कर रहा है और बात कर रहा है कि हमने अड्डे नहीं दिए। ये सीधा सीधा बोल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्पेस यूज़ की गई अब मतलब अमेरिका के द्वारा, उससे अटैक हुए हैं तालिबान पर। तो गाइस सीधा सा है, सिंपल अनऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान ने भी उसको अड्डे दे दिए हैं ऑफिशियल। ये अब कितने दिन में ये एक्सेप्ट करेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। चीनी अखबार का दावा था कि पाकिस्तान ने अड्डे दे दिए हैं। तो दोस्तों चीन का भी नाराज़ होना बनता है अमेरिका की, जिस प्रकार से उसके रिलेशनशिप हैं, अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इसमें बहुत कुछ फ़ायदा हुआ होगा, स्पेशली डॉलर्स का। तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो डॉलर पर खुश है, लेकिन जो पाकिस्तान की जनता है, आपने उस दूसरी क्लिप में ये भी देखा होगा कि अब पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं वो टारगेट पर आ गए हैं, किसके, तालिबान के। तालिबान उन पर कभी भी हमला कर सकता है, अगर ये एक बार अमेरिका बस बम गिराना चालू कर दे अफगानिस्तान पर, तो उसके रिप्लाई में सीधा सीधा पाकिस्तान में बम फोड़ेगा तालिबान। और अब देखते हैं आने वाले समय में सिचुएशन बनती क्या है। पाकिस्तान इस तरीके के फैसले क्यों लेता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता है, इससे भारत का फ़ायदा होगा। तालिबान अगर पाकिस्तान को धमकी देता है और पाकिस्तान तालिबान के साथ एंगेज रहता है, तो डेफिनेटली जो बॉर्डर पर हमारी टेंशन है वो कम रहेगी, और अमेरिका अगर पाकिस्तान में आता है तो उससे भी जो बॉर्डर पर टेंशन है वो कम रहेगी, क्योंकि आपको भी पता है टेंशन बढ़ेगी, पाकिस्तान का बाप अमेरिका को भारत कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि इनको सही करो, तो वो सही हो जाएंगे। तो ये दोनों सिचुएशन में भारत का फ़ायदा है, और तीसरा फ़ायदा चाइना पाकिस्तान के बीच जो दरार आएगी उससे भारत को फ़ायदा होगा। अब देखते हैं आने वाले समय में सिचुएशन और भी क्लियर हो जाएगी। बाकी अभी के हालात तो ऐसे हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और तालिबान ने पाकिस्तान के बड़े बड़े करीबी शहरों में हमले शुरू कर दिए हैं। और अब देखते हैं दोस्तों होता क्या है। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।